जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने 1,40,00,000 उन भारतीयों का सिर सीना इतना चौड़ा किया, संसार के अंदर उन्होंने झंडा लहराया भारत देश का, उस दिन बड़े गर्व की बात थी। वैसे जब ये खेल जीत के आई तब तो बड़ी चाय पे बुला लिया, अभी बुला लेते। स्मृति ईरानी अभी तक यहाँ नहीं आई और केरला स्टोरी देखने के लिए चाणक्यपुरी में गई और फिर कहती है कि जो केरला स्टोरी के खिलाफ है वो टेररिस्टों के साथ सरकार, गुंडों की सरकार है, उनके सरकार की पूरी शह है, ये सरकार के गुंडे हैं, सरकार का संरक्षण है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि व्हाइट लिबास में बैठे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे। कहाँ से आए हैं सर? मैं जी हरियाणा से आया हूँ बेटा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारी महिला पहलवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हरियाणा जिला चरखी दादरी से अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सेक्रेटरी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी मोदी को, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब हमारी बहन बेटी पहलवानों के साथ उन्होंने उन आवरों और इज्जत लूटने का काम किया, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने 1,40,00,000 उन भारतीयों का सिर सीना इतना चौड़ा किया, संसार के अंदर उन्होंने झंडा लहराया भारत देश का, उस दिन बड़े गर्व की बात थी। और आज उस ब्रजभूषण को इस्तीफा हो गया, ब्रजभूषण का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं रहा। अच्छा, इस्तीफा दे दिया, वो तो बताया आपने मुझे, अभी भी मालूम पड़ा है क्योंकि हम किसान भाई हैं, इतने पढ़ नहीं रहे, हमें ये खबर नहीं मिली थी कहीं से, आपके माध्यम से खबर मिली, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ भी उसकी जड़ की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पूरा हरियाणा इस बात के लिए उतावला है कि कब बेटा 21 तारीख आए और पूरे हरियाणा का हम चक्का जाम करेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से हम घेरेंगे, जैसे हमने मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या? ना, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा मोदी पे। कर्नाटक देश ने भी उसकी कुर्सी को छीन लिया है, कर्नाटक राज्य में चुनाव था, मोदी जी को कुर्सी से नीचे वहाँ उसकी बीजेपी सरकार को डाला है। और इसी प्रकार हमारे हरियाणा में भी चुनाव आने वाला है, हम हरियाणा में भी उसकी बहन बेटियों की आबरू इज्जत का बदला वोट की चोट से लेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं तन मन धन से। और हम अपनी भैंस और गाय को, दुधारू पशुओं को लेके यहाँ ट्रॉली के माध्यम से यहाँ जंतर मंत्र पर हम अपना टेंट लगाएंगे, अपनी बहू बेटी पोती बेटों को लेके हम यहाँ बिल्कुल हरियाणा के अंदर हम रोजाना यहाँ से जाने के बाद हम कैंडल मार्च निकालते हैं बेटा। हम शुद्ध दिल आत्मा के आदमी हैं, अन्नदाता के घर जन्म लेके हमने किसानी का काम किया है, हम अन्नदाता हैं, अन्न उगा के इस देश की जनता का पेट भरते हैं। रमान कब तक बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे? हम लगातार बैठे रहेंगे जब तक ब्रजभूषण अंदर जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ से न्याय लेके जाएंगे। अब इस्तीफा भी हो गया है, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम मान सम्मान की, हमारी बेटी बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई राजनीति कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ब्रजभूषण के जेल की सलाखों के पीछे चाहते हैं ताकि हमारी इन बहन बेटी पहलवानों की इज्जत बहाल हो, इनका मान सम्मान वापस लौटे। हमने हरियाणा में ये हमारी फोगाट, हमारी बहनें बेटी हैं विनेश और ये धारी जो बैठी हैं साक्षी मलिक, ये हमारी बहन बेटी हैं, हम इनके मान सम्मान। मोदी जी भी तो इनको बेटी बताते हैं अपनी। जब ये वर्ल्ड में से जब गोल्ड लेके आई थी उस दिन कहा ये मेरी बेटी है, और आज मोदी जी कहाँ इनको बेटी मान रहा है, एक शब्द भी इनके लिए नहीं बोला, पक्ष या विपक्ष में नहीं बोला, तो मोदी की बेटी कहाँ रह गई? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस जंतरमन के धरने के माध्यम से आज ये उनकी बेटी नहीं है? जब मान सम्मान की लड़ाई है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने इनके मान सम्मान को लूटा है और आज ये न्याय के लिए यहाँ रोड पर बैठी हैं। तो क्या लग रहा है कि जांच कमेटी भी बैठाई गई, उसके बाद भी आप लोग धरने पे बैठे हैं? उससे हमारी बहन बेटी विनेश फोगाट, रितु फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया उससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा अंकल तमाम हम 36 बिरादरी से समर्थन चाहते हैं, हमारे न्याय की लड़ाई के लिए आप हमारा साथ दीजिए,
हमारी आबरू इज्जत को लूटा, हमारी बेटियों के आंखों में आंसू थे। हम जब आए हमारी बेटियां रोने लग गई, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करना चाहती थी। आज इन बहन बेटियों की जिद उठी है, कल हमारे घर से भी बहनों को उठाएगा ब्रजभूषण। आपको डर सता रहा है कि जिस तरह इन बेटियों के साथ हुआ कहीं हमारी बेटी के ना साथ हो जाए ना? हमारे ये हमारी महिलाएं हमसे पूछती हैं जो घरों में जाते हैं रात में, कहते हैं जी क्या फैसला है आपने, क्या लिया? हमने कहा अभी कोई फैसला नहीं आया है। तमाम आदमी सभी देशों के 36 बिरादरी के मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, गुजरात से, राजस्थान से तमाम व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, महिलाएं नारी शक्ति आई हैं, ताकि हमारी इज्जत बहनों की वापस इज्जत कैसे आए। और इस अपराधी घिनौने, इस आतंकी टाइप के MP ब्रजभूषण को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम ये न्याय चाहते हैं, आबरू इज्जत की लड़ाई हमारी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार पोस्टर लेके ये महिलाएं सड़कों पे उतर आई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं? हम हरियाणा से आए हैं मैम। तो क्या लग रहा है न्याय में इतनी देरी क्यों? क्योंकि भी सरकार गुंडों की सरकार है, उनके सरकार की पूरी शह है, ये सरकार के गुंडे हैं, सरकार का संरक्षण है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि व्हाइट लिबास में बैठे हैं। अब तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया ब्रजभूषण ने, हटा दिया गया, अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो उससे क्या होता है, उसको गिरफ्तार करें, जेल में डालें, उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करें, जोन शोषण का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालें। मुकदमा FIR भी तो दर्ज हो चुकी है। FIR अकेली क्या करेगी जब उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है? FIR करी कराई पड़ी रहेगी, क्या उसका क्या मतलब है? जब तक उसके ऊपर एक्शन होके उसको जेल में नहीं डालते तब तक क्या है FIR, क्या है? कब तक बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे? जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको जेल के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक ये चलता रहेगा संघर्ष। कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो क्या लग रहा है कि भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है, दुनिया में ये सबसे असुरक्षित स्थान है भारत, और ये साबित हो गया है कि इतनी जो पावरफुल महिला पहलवानों के साथ अगर यौन हिंसा होती है, उसको भी न्याय लेने के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ेगा। तो जो आम गरीब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनके स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्ले पड़ोसों में उनके साथ रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, तो कैसे दबा दिए जाते हैं? यही भारत है जहाँ पे बेटियों को पूजा जाता है नारी शक्ति के रूप में। ये दोहरा स्वरूप है इनका, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। यही लोग जो है बलात्कारियों का, वो बिल्किस बानो वाले केस में जिनको कोर्ट ने भी सजा दे दी थी, उनको जो है भाजपा वालों ने जो है पटाखे बजाए, उनको छोड़ दिया 15 अगस्त को। ये है इनका पूजने का, ये कोई ये थोड़ा है। वो बिल्किस बानो भी तो एक महिला है, चाहे उसका जन्म मुस्लिम परिवारों में हुआ है, लेकिन उसके अपराधियों को छोड़ दिया और वो जो है उसका महिमा मंडन गाया गया। बीजेपी कहती है महिला सम्मान में, भाजपा मैदान में नहीं है, मैदान में झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम टेररिस्टों के साथ हो, तुम बलात्कारियों के साथ हो, अपराधियों के साथ हो, यहाँ क्यों नहीं आई, यहाँ क्यों नहीं पूछा? ये तो कोई आंदोलन जीवी लड़कियां नहीं है, जैसे किसानों को कह रहे थे, ये तो लड़कियां हैं खेलों में, इन पे टाइम नहीं है, ये तो पहलवान है। कितना संघर्ष करके ओलंपिक में और ये एशियन गेमों में गई। इन बेटियों को कहा गया कि जंतर मंतर पे राजनीति कर रही हैं ये बेटियां। नहीं, राजनीति तो भाजपा कर रही है, राजनीति नफरत की एक खास समुदाय के खिलाफ कर रही है, बाकी सबको वो उससे दबा देना चाहती है। यहाँ दो तरह का कानून भाजपा लागू कर रही है, जो इनके MP हैं, इनके मंत्री हैं, वो कुछ अभी आप देखो 3-4 मई की रात को यहाँ हमने लाइव देखा है कुरुक्षेत्र में कि पुलिस ने किस तरह से यहाँ जो है सिर फाड़े हैं पहलवानों के, और ये महिला खिलाड़ियों को धक्के दिए, गालियां दी हैं, शराब पी के आए हैं, लेकिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि सारे देश ने, करोड़ों लोगों ने लाइव देखा है। तो क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, मोदी चुप रहते हैं और थोड़ी सी बात पे ये बहुत बोलते हैं, ये ऐसी बातों पे चुप रहते हैं जो आम लोगों के लिए है, और वैसे वो कुछ ही बोल देते हैं, थोड़ी सी बात पे ही करते हैं, मन की बात कहते हैं, तो ये यहाँ क्यों नहीं आ गए सुनने के लिए? वैसे जब ये खेल जीत के आई तब तो बड़ी चाय पे बुला लिया, अभी बुला लेते, कहते बताओ बेटियों क्या बात है, अब नहीं बुला। PT उषा भी यहाँ आई थी, वो बोली कि आके बेटियाँ हमसे मिलती, यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? लेकिन फिर वो दोबारा आके इनको कहा भी, अभी मैंने ऐसा नहीं कहा और मैं साथ हूँ, बाकी अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत है, वो बता चुकी है ये महिला खिलाड़ी
कि हमने सबको बताया, खेल मंत्री को बताया, जो बातें खेल मंत्री को बताई उसने जो है ब्रिजभूषण को बता दी और ब्रिजभूषण ने महिला खिलाड़ियों को धमकियां दी। तो आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग रचना बंद करो, जन संघर्ष मंच हरियाणा, ये महिलाएं हरियाणा से आई हैं और लगातार इन महिला पहलवानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। तो अब देखना यह होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। ये महिलाएं डटी हुई हैं, आप लोग कब तक रहेंगी? हम तो यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा आपको कि जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता, ये इंसाफ की लड़ाई है और ये सिर्फ जो यहाँ बैठी है महिला पहलवान उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की हर बेटी जो आगे बढ़ना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, खेलना चाहती है, ये हर उस लड़की की लड़ाई है। तो इसीलिए जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाता ब्रिजभूषण सिंह, और जब तक इस अपराधी को बचाया जा रहा है, तब तक हम यहीं तक मैदान में हैं। तो आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे ये हरियाणा से महिलाएं आई हैं और डटी हुई हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।